you. <laughs> हाई एवरी वन वेलकम टू एन अकेडमी कैसे है सब बच्चे कैन यू ऑल हेयर मी प्रोपरली एंड सीमीलीस हाई गाइस गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हवा यू माई के निकल गया सोचो ये yes. आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से कम ऑन बेटा फटाफट से आ जाइए लेट अस स्टार्ट द सेशन ऑन एस आर एफ पी ठीक है जी आज हमने शुरू किया था आ, पिछले कुछ क्लासेस में बेटा जी हमने नई सीरीज स्टार्ट की है इस नई सीरीज का नाम है फास्ट ट्रैक सीरीज जिसमें हम बेटा एक बहुत अच्छे तरीके से सारा सिलेबस फिर से करने वाले हैं बायोलॉजी का फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी अब देखो मेरे से उम्मीद मत रखना मैं तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री तो नहीं करा सकती बट मेरे पास बहुत अमेजिंग टीम है जो तुम्हें बेटा साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री करा रही है अमेजिंग से महेंद्र सर है आकांक्षा मैम है आई होप आप उन सबकी क्लासेस भी लगा रहे हैं क्योंकि बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा बायो अकेली कुछ नहीं कर सकती तुम सोचो कि यार बायो से हो जाएगा नहीं अकेले बायो से कुछ नहीं होगा ठीक है जी आ जाओ हाँ सही है सही है गाने गाइए जस्ट सेकेंड ना यस आ जाओ फटाफट फड़ से।, से सेशन को फटाफट फड़ से लाइक करके बता दो कि आज रेडी है कि नहीं है SRFP के लिए रेडी है कि नहीं है देखो मैंने जेनेटिक्स की क्लास भी लगा दी है जेनेटिक्स की क्लास आपकी क्रिसमस वाले दिन होने वाली है और साथ में हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं क्या करने वाले हैं प्रैक्टिस करने वाले हैं तो आ जाओ फटाफट से हम्म <laughs> हम्म <laughs> कुछ तो गड़बड़ है 1 सेकंड यस नाउ इट्स फाइन ओके बेटा ओके okay. So, we had started with human reproduction, reproductive health. आपने आई होप वो दोनों चीजें कर ली हैं वो अच्छे से आप रिवाइज भी कर चुके हैं और हम उसके बहुत सारे टेस्ट ले चुके हैं कल वाले टेस्ट में तो बहुत ही ज्यादा मजा आया था देर वर मेनी 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 स्टूडेंट्स चार पांच हजार बच्चा बेटा उस टेस्ट को लाइव देखा एंड इट फील्स रियली ग्रेट टू सी योर एनर्जी वैसा ही बेटा एक टेस्ट आज भी होने वाला है तुम्हें पता मैं टेस्ट के लिए तो छोड़ूंगी नहीं तुमको यस yes, आज भी बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जितना हम चैप्टर कर लेंगे होपफुली बेटा हम चैप्टर तो आज कर ही लेंगे ये बेटा आज आपका टेस्ट होने वाला है लिंक मैंने जो है वो पिन करा दिया है डिस्क्रिप चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में ऊपर ऊपर देखोगे तो स्पेशल क्लास का लिंक है ये एब्सोल्युटली बेटा फ्री क्लास है रोज शाम को पांच बजे होती है जो हम सुबह करते हैं उसी का रिविजन है

तकरीबन मुझे लगता है ढाई साल होने वाले लगे रहेंगे तो सिलेक्शन होगी तो यार दिस इज आवर ट्रेंड एनालिसिस हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं चैप्टर का नाम है एस आर एफ पी एस आर एफ पी जो बच्चे नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं एस आर एफ पी का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बच्चों है ना कुछ और नहीं है सर एफ पी एस आर एफ पी सेक्शुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं है। मैम ये एस आर एफ पी एस आर एफ पी क्या चल रहा है चैट में बेटा इसी का शॉर्ट फॉर्म है तो अगर मैं इसका पूरा ट्रेंड देखूं पिछले पांच साल का ट्रेंड आप जानते हैं मैं हर चैप्टर से पहले आपके साथ शेयर करती हूँ सो दैट आपको पता चले कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है क्योंकि वेटेज वाइज वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है मैं ये नहीं कहती कि हर साल सेम होगा बट ये yes, मिलता जुलता ही होता है सिमिलैरिटी होती है तो यार अगर इसमें देखें तो पिछले साल 2022 में कितने सवाल आए थे इसमें से तीन सवाल आए थे 2021 में बेटा दो सवाल आए 2020 में भी दो सवाल आए 2019 में दो दो चार छह सवाल आए थे बेटा 2019 में 2018 में चार, 2017 में चार कि पहले के समय पर एवरेज तो नंबर, नंबर जो बनता है वो थ्री बनता है ठीक है मतलब इस चैप्टर से आप कितने मार्क्स का उम्मीद कर सकते हो कितने मार्क्स का उम्मीद कर सकते हो बेटा एवरेज नंबर इज थ्री तो इस चैप्टर में से आप लोग उम्मीद कर सकते हो थ्री इंटू फोर फोर थ्री ट्वेल्व टू सिक्सटीन मार्क्स यस कितने मार्क्स हो गए बच्चों यहां पर हम लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे आज 12 से 16 नंबरों के लिए देखो 16 नंबर तुम्हारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के थे जो तुम्हें मिल चुके हैं क्योंकि तुमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा 12 नंबर तुम्हारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के थे जो तुम्हें मिल चुके हैं कल तुमने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था प्रैक्टिस टेस्ट में मुझे लग रहा है ऐसा और बारह से सोलह नंबर हमारे एस हैं जो हम आज और कल मिल इसको प्रिपेयर करने वाले हैं ठीक है प्रिपेयर करने वाले हैं आर यू रेडी आर यू एक्साइटेड फटाफट से सेशन को एक बार लाइक करके मुझे बता दो कि यस मैम हमें पिछले लेक्चर समझ आ गए थे और आज हम इस नए चैप्टर को फोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं हर दिन अपनी प्रेजेंस बनाएंगे हर टेस्ट देंगे हर थ्योरी क्लास अटेंड करेंगे एंड विल मेक श्योर कि हमारे नंबर कैसे नहीं आते यार कहां से आएगा पेपर यहीं से आएगा अपने नोट्स में से ही आएगा हमेशा नोट्स में से आता रहा है एनसीआरटी में से आता रहा उससे बाहर बेटा कुछ नहीं है उससे बाहर कुछ नहीं है यस एक्साइटेड हाँ जी चलो बेटा शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक सोलह नंबरों के लिए जो जंग है वो चालू हो चुकी है अब यार ये जंग है जो ये अगला डेढ़ घंटा बहुत ध्यान से सुनेगा बहुत ध्यान से तैयारी करेगा वो इस जंग के मैदान में जीत जाएगा ये सोलह नंबर उसके हो जाएंगे जो यार ढीला पड़ेगा चैट में लगा रहेगा इधर उधर की बातें करेगा जिसका ध्यान पेपर में नहीं होगा वो बेटा इस जंग के मैदान में पीछे रह जाएगा तो यार जंग है ये मैं बता रही हूं हर दिन जंग है हर दिन कॉम्पिटिशन है जिस दिन तुम ढीले हुए पीछे से जनता दौड़ती हुई यार ये तुम्हारी सीट लेने के लिए क्योंकि सीटें तो एक लाख है बच्चे अठारह लाख है तो एक सीट पर देख रहे हो कितना कंपटीशन है तुम ढीले पड़े तो पीछे से बेटा कोई ना कोई और मेहनत करके तुम्हारी सीट को छीनने के लिए तैयार है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है जो फिट है जो हर दिन काम कर सकता है जो कंसिस्टेंट रह सकता है जो डिसिप्लिन रह सकता है वही इस जंग में जीतेगा वही सृष्टि का नियम है यार वही का नहीं है मैं तुम जॉब में चले जाओ तुम एमबीबीएस uh, में चले जाओ हर जगह बेटा सरवाइवल ऑफ द फिटेस्ट स्ट्रगल बहुत है है ना स्ट्रगल बहुत है चलो जी शुरू करते हैं अपने चाप्टर को. चाप्टर का नाम है एस आर एफ पी एस आर एफ पी पीपीएफ ले आए हैं यस yes, बच्चों पीपीएफ लेके आए हैं पीपीएफ पीपीएफ yes, यस बच्चों पीपीएफ वाले लेकर आए हैं पीपीएफ या नहीं लेकर आए बिना पीपीएफ के नहीं आना है इस क्लास में पीपीएफ का मतलब है ऑल द न्यू स्टूडेंट पेन पेपर एंड फोकस पेन पेपर फोकस लेकर आइए खोलिए अपने उस पेपर को निकालिए अपनी कलम को अपने पेन को और फोकस से अगला 90 मिनट्स बिल्कुल ध्यान से सुनना है क्योंकि 16 नंबर भी कम नहीं होते तुम छोटा मत समझना कि हाँ जेनेटिक्स 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 ये तो छोटे चैप्टर हैं बेटा इन छोटे चैप्टर में गलती करोगे बड़े में तो करते ही हो तुम है ना फिर गलतियां कितनी बढ़ जाएंगी तो जो सिंपल चैप्टर है उसको अच्छे से करेंगे चलिए एस आर शुरू करते हैं आपने अभी प्लांट पढ़ा है फ्लावरिंग Plants किस में होते हैं एंजियोस्पर्म्स में होते हैं और Flower बेटा क्या है एक मॉडिफिकेशन ऑफ शूट है तो हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं तो उससे पहले हमें Flower का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तो स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ a flower. फ्लार का स्ट्रक्चर बेटा आप छोटी क्लासेस से बनाता बनाते आए हैं कि यार एक नीचे मोटी सी डंडी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं थैलमस बोलते हैं इसी थैलमस इसी रिसेप्टिकल के ऊपर सारे फ्लार के पार्ट्स होते हैं इसी के ऊपर बेटा सारे फ्लार के पार्ट्स होते हैं अब कुछ फ्लार के पार्ट्स ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो पहला फ्लॉर का पार्ट बेचा जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वो हो जाएंगे इसी थैलमस प्रेजेंट वो जो हरे हरे नहीं होते नीचे दैट इज कॉल्ड एज सेपल ठीक है ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है नेक्स्ट पार्ट जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है दिस इज गोइंग टू बी द पत्ती ऑफ द फ्लावर व्हिच इज कॉल्ड एज द पेटल व्हिच इज कॉल्ड एज द

प्रतीक है एक गिफ्ट देने का है ना कितने सारे ऐसे पर्व आते हैं जिसमें बेटा हम लोग ये फ्लावर्स को फ्लावर्स का आदान प्रदान करते हैं तो इंपॉर्टेंट है बट डायरेक्ट रोल नहीं है इसीलिए नॉन एसेंशियल है और फ्लावर के सारे पार्ट्स ऐसे गोल गोल वॉल्स बनाते हैं एक वॉल दूसरा वॉल तीसरा वोल तो ये नॉन एसेंशियल वर्ल्ड है ठीक है अब इसी में हमने तो पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमारा जो मेन बातचीत है वो किस पार्ट से होनी चाहिए जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पार्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखता है वो बेटा फ्लार के दो पार्ट है पहला मैं मेल पार्ट बताऊंगी दूसरा मैं फीमेल पार्ट बताऊंगी तो सबसे पहले बेटा ये है अपना जी फीमेल पार्ट यस दिस इज द फीमेल पार्ट यस देख रहे दिस फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज कार्पल और पिस्टल ये एसेंशियल वर्ल्ड का हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे कार्पल और पिस्टल जस्ट सेकेंड बच्चों इसको उठा के इधर रख दे. Yes. सो दिस फीमेल पार्ट बेटा जी इज कॉल्ड एज कार्पल और पिस्टल ठीक है ये फीमेल का पार्ट है ऑब्वियसली असेंशियल पार्ट होगा देन मूविंग ऑन टू द मेल पार्ट अगेन जो कि असेंशियल पार्ट है इस तरीके से बेटे यहीं से निकलता है ये रहा दिस इज कॉल्ड एज मेल पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेमन ठीक है जी स्टेमन राइट right, बच्चों तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये जो दोनों पार्ट्स हैं स्टेमन हो गया और कार्पल हो गया ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये कैसे हैं असेंशियल वर्ल्ड हैं ये काम के हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका डायरेक्ट रोल है ये क्या है असेंशियल वॉल्स हैं असेंशियल वॉल्स हैं तो आज का हमारा गोल्स क्या होने वाले हैं अगर मैं आपको आज के गोल की बात बताऊं मैंने तुम्हें फ्लार बता दिया फ्लार किसका मॉडिफिकेशन है शूट का मॉडिफिकेशन है इट इज मॉडिफाइड शूट जिसमें मैंने तुम्हें चार वर्ड्स बताए अब इस फ्लार में आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं टुडेज गोल विल बी सबसे पहले हम मेल पार्ट पढ़ेंगे मेल पार्ट इज द स्टेमन ऑल्सो कॉल्ड एज एंड्रोशियम एंड्रोशियम ठीक है देन हम फीमेल का पार्ट पढ़ेंगे फीमेल पार्ट इज द द कार्पल पिस्टल और एंड दर्पल विल गोशियम स्टडी अबाउट द पार्ट तो ये बेटा आज के मेरे गोल्स हैं ठीक है वैसे तो इस वन शॉट लिखा है बट आई डोंट कि आपका कुछ हिस्सा बहुत तेजी तेजी से हो हमें जितना टाइम इस चैप्टर को देना चाहिए हम उतना ही टाइम देंगे क्योंकि 16 नंबर भी कम नंबर नहीं होते ये तीन चीजें बेटा हम आज कवर करने वाले हैं तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एंड्रोशियम से ठीक ठीक है, है, तो बेटा का मेल पार्ट है इसी का नाम क्या है स्टेमन स्टेमन बेटा वो हिस्सा है जहां पर मेल पार्ट्स लगे होंगे तो ये पत्ती है जहां पर मेल गैमीट बनेगा इस पत्ती को पत्ती का मॉडिफिकेशन ये इसको बोलते हैं बेटा माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल हमने अभी प्लांट किंगडम में किया है. यानी एक पत्ती है जो क्या बना रही बनेंगे स्पोरोफाइट का हिस्सा है यहीं पे गैमिटोफाइट आएगा यही गेमीट बनेंगे ठीक है जी क्लियर है सबको बोर्ड क्लियर है यस yes? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमन से स्टेमन के पास क्या क्या हिस्से प्रेजेंट है

क्या बोला है बच्चों फिलामेंट याद रखना है अब ये फिलामेंट का बेटा मैं क्वेश्चन बता रही हूं 2016 का नीट फेज वन 2016 16 का क्वेश्चन है बेटा इस फिलामेंट के दो हिस्से हैं ये वाला हिस्सा दूर है दूर वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा नजदीक वाला हिस्सा है मेरे पेन की तरफ फोकस होना चाहिए जहां मैम का पेन जा रहा है जहां हाईलाइटिंग हो रही है जहां पेन जा रहा है जहां हाईलाइटिंग हो रही है उस पर फोकस होना चाहिए ये वाला हिस्सा दूर का हिस्सा है दूर का हिस्सा इज कॉल्ड एज द डिस्टल पार्ट ये कैसा एंड हो जाएगा इसका डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट। ये वाला हिस्सा बेटा नजदीक का हिस्सा है नजदीक के हिस्से को हम बोलते हैं प्रोक्सीमल पार्ट प्रोक्सीमल पार्ट जैसे ये तुम्हारा शोल्डर है अगर मैं देखूं एल्बो नजदीक है शोल्डर के तो यार है फिंगर दूर है शोल्डर के तो यार ये ये डिस्टल डिस्टल है 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 ठीक तो फिलामेंट के दो हिस्से हो गए एक हिस्सा जो thalamus के नजदीक है उसे हम बोलते हैं एंड ऑफ द फिलामेंट एक हिस्सा जो थैलमस से दूर है उसे हम बोलते हैं डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट अब नोट डाउन बेटा नोट डाउन ये क्वेश्चन आया था नीट ट्वेंटी सिक्सटीन फेज वन में कि जो फिलामेंट है वो थैलमस से कौन से हिस्से से जुड़ा हुआ है ध्यान देना बेटा फिलामेंट थैलमस से कौन से हिस्से से जुड़ा हुआ है क्या वो प्रॉक्सिमल हिस्से से जुड़ा हुआ है या फिर वो डिस्टल हिस्से से जुड़ा हुआ है तो तुम लोग क्या बोलोगे मिलके बताओ बेटा क्या बोलोगे मिलके यस yes. किस हिस्से से जुड़ा हुआ है यू ऑल विल कलेक्टिवली से फिलामेंट जो है फिलामेंट जो है बेटा वो थैलमस से हिस्से से जुड़ा हुआ है अगर वो पूछे के के साथ साथ कौन से से हिस्से हिस्से जुड़ा जुड़ा हुआ हुआ है, है। तो तो तुम बोलोगे डिस्टल end joins with the एंथर। चलो जी यहां कहानी खत्म हुई हमारे फिलामेंट की अब चलते हैं इस एंथर वाले हिस्से पे अब एंथर का बेटा नेचर कर लेते कि भैया एंथर दिखता कैसे है। एंथर का कट करके देखा मैंने किसका सेक्शन कट करके देखा नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड्स एंथर का मैंने सेक्शन कट करके देखा तो मैंने देखा एंथर के तो चार सिरे हैं कितने सिरे हैं चार सिरे हैं तो चार सिरे बना रही हूं देख रहे हो मुझे चार सिरे दिखाई दिए चार कोने हैं ना ये देखो कोना नंबर वन टू थ्री फोर सिर्फ चार सिरे दिखाई दे रहे हैं इसीलिए द नेचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक एंथर मैं बारी बारी बेटा जो टर्म्स यूज कर रही हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है मैंने बोला द नेचर ऑफ एंथर क्योंकि इसके चार सिरे एंजियो एक दो तीन टेट्रागोनल नेचर मैथ का टर्म है है ना ज्योमेट्री का टर्म है द नेचर ऑफ द एंथर इज फर्स्ट गोइंग टू बी टेट्रागोनल सारे टर्म्स ध्यान देना टेट्रागोनल क्यों बोला है क्योंकि इसके चार हिस्से हैं फिर बेटा हमने देखा कि इन इस एंथर के एक तरीके से दो कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं क्या बन रहे हैं दो कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं एक कंपार्टमेंट ये है सेक्शन में बहुत अच्छे से दिखता है दूसरा कंपार्टमेंट ये है ठीक है एक ही कंपार्टमेंट है एक ही कंपार्टमेंट है सिंस सिंस बेटा इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि दो अलग अलग खाने बन रहे हैं इसीलिए इसको जो टर्म दिया गया है इसको जो टर्म दिया गया है इट इज कॉल्ड एज अ अड एंथर बाई लोब्ड एंथर ठीक है बाई बाई यानी कि दो दो क्या है ये दो बेटा आपके कंपार्टमेंट बन रहे हैं ठीक है अब हर लोब के पास ध्यान देना हर लोब के पास ऐसे दो थीका है एक ये थीका एक ये थीका फिर एक ये थीका फिर एक ये थीका तो मैं इसको लेबल कर देती हूं ये मैंने क्या बनाया है थीका अब बेटा एक लोब को ध्यान से देखना एक लोभ के पास कितना थीका है दो थीका इस लोभ के पास भी कितना थीका है दो थीका तो यार पर लोभ अगर मैं देखूं तो दो थीके हैं तो इसीलिए हमारा आंथर क्या हो जाएगा डाई थीकस एंथर हो जाएगा ठीक है सारी टर्म्स बेटा मेरे साथ साथ आपको याद करनी है ये सेशन ऐसा होना चाहिए कि मेरे बच्चे हम जितने हमारे गोल्स हैं वो सारे गोल्स तुम्हें एक नंबर क्लास के दौरान याद हो जाए और जब तुम इसके एनसीआरटी पढ़ो घर जाके तुम कहो मैम हमें सब आता है हमें सब आता है ठीक है जी तो इसको क्या बोल देंगे डाइथिकस कभी भी याद रखना है टेट्राथिकस नहीं लिख के आएंगे चार थीके टोटल में हैं लेकिन जब थीका लिखते हैं तो एक लोभ के विद रिस्पेक्ट टू लिखते हैं तो आप इसको डाई थी लिख कर आओगे अब हर लोभ के पास ये बेटा थीका के अंदर ना टिश्यू है उसको हम माइक्रोस्पोरानजियम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है तो ये एक माइक्रोस्पोरानजियम है ये एक माइक्रोस्पोरानजियम है ये भी है ये भी है माइक्रो वर्ड मेल के लिए मेगा वर्ड फीमेल के लिए तो चार आपके पास माइक्रोस्पोरानजियम है तो इसीलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा टेटरा स्पोरजीएटरा स्पोरजीएट ठीक है जी टेटरा स्पोरानजीएट तो ध्यान दो इट इज टेट्रागोनल क्योंकि इसके चार सिरे हैं इट इज बाइलोब क्योंकि बहुत क्लियरली दो कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं एक लोब के अंदर दो थीका है तो ये स है इन टोटल देखोगे तो ये है ऐसा हर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है ऐसा हर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के एंथर में होता है बट 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 देर आर एक्सेप्शन देर आर बच्चो एक्सेप्शन तुम्हें पता है बायो बिना एक्सेप्शन के तो हो ही नहीं सकती है ना बायो बिना एक्सेप्शन के तो हो ही नहीं सकती देखिए बेटा एक्सेप्शन में यहीं पर लिख रही हूं हमारे पास एक्सेप्शन है भिंडी कॉटन चाइना रोज यानी कि द मेंबर ऑफ मालवे फैमिली मेंबर ऑफ भिंडी, भिंडी लेडी फिंगर एंड uh, कॉटन इसके अंदर एंथर ऐसा नहीं है इसके अंदर आधा हिस्सा है उस बेचारे के पास एक ही लोब है अगर उसके पास एक लोब होगा तो एक ही थीका होगा उसके अंदर मोनोथिकस है और दो माइक्रोस्पोरेंजियम है दैट इज बाइस फोरजीएट तो यार इसकी बात करूं अगर मैं मालवीसी फैमिली की तो इसका जो एंथर है वो यूनिलोब्ड है यानी कि आपका बाइस होगा बाइस होगा और मोनोथिकस होगा मोनोथिकस होगा ठीक है बच्चों इतना क्लियर हो गया बताओ मुझे इतना सबको क्लियर हो गया कि टिपिकल एंजिक एंथर के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है टिपिकल बेटा ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पर एक लाख से अधिक बच्चे उसके अंदर ऑलरेडी है वही वाला ज्वाइन करना गलत वाला मत करना नोट्स आपको वहां मिल जाते हैं तो उसका टेंशन कि मैम ये एक वर्ड मिस हो गया या ये हो गया वो हो गया सब मिल जाएगा मैंने अपने पास रख के बेटा क्या करना मेरा पेपर थोड़ा तुम्हारा पेपर है यस yes, एक बारी मेरी फेवरेट इमोजी, मुझे चैट सेक्शन में भेज के बता दो कि यस yes, हमें इतना क्लियर हो गया हमें इतना क्लियर हो गया जो तो साथ साथ लिख रहे हैं वो सबसे अच्छे रहेंगे मैं बता रही हूँ उनको लर्न करने में टाइम नहीं लगेगा जो साथ साथ लिख रहे हैं यस yes, बता दो फटाफट से जो जो साथ, -साथ लिख रहे हैं कम ऑन क्लैरिटी क्लैरिटी सब बच्चों को ये कौन बोल रहा है बोर्ड ब्लड है इज द बोर्ड ब्लड बेटा आप लो क्वालिटी में देख रहे हो गए वन जीरो एट जीरो पीस की हाइएस्ट क्वालिटी है उसमें देखिए ऑटो क्वालिटी चलती है और इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से चलती है आपकी इंटरनेट की स्पीड कम होगी इसीलिए ऐसा हो रहा है स्पीड बढ़ाओ स्पीड नहीं बढ़ा सकते तो क्वालिटी चेंज करो सेटिंग्स में जाके है ना चलो

एक तो बनेगी इसकी बाहर की कवरिंग आउटर लेयर आउटर लेयर और एक बन जाएगी इसकी इनर लेयर अंदर की लेयर ठीक है ऐसी डिवीजन डिवीजन को हम बोलते हैं बट इतना याद नहीं रखना जो आउटर लेयर है वो बाहर की लेयर है बाहर की लेयर अल्टीमेटली क्या बना लेगी एंथर की वॉल बना लेगी क्या बना लेगी बच्चों एंथर की वॉल बना लेगी और जो अंदर की लेयर है वो एक स्पेशल टिश्यू बनाएगी उसका नाम है स्पोरोनस टिश्यू

देन आ जाएगी आपके पास सबसे अंदर वाली टेपेटम टेपेटम तो एंथर की वॉल एक्चुअली में कितनी लेयर से बनी होती है चार लेयर से बनी होती है बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडल लेयर्स लेयर्स ऐसा आ गया मतलब एक से ज्यादा होंगी मल्टी लेयर होंगी एंड सबसे अंदर वाली कौन सी होगी टेपेटम सबसे अंदर वाली कौन सी होगी बच्चों टैपेटम इसी टैपेटम पे सवाल आया था इसके फंक्शंस पे सवाल आया था कब आया था बेटा नीट 2013 में यहां लिख लो कब आया था नीट 2013 में क्वेश्चन आया है इसी टैपेटम के ऊपर कैसा आया है मैं अभी डिस्कस भी करूंगी देन बेटा आपके पास है स्पोरोजीनस टिश्यू अल्टीमेटली मेल गैमेट बनाना है ये स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर हमें मिलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स

तो जब तक तो एंथर यंग है सुनो सुनो बच्चों जब तक तो एंथर यंग है जवान है जब तक तो एंथर जवान है तब तक इसके पास तब तक बेटा इसके पास चार माइक्रोस्पोरेंजियम बैठे रहेंगे बस कुछ नहीं होगा चार माइक्रोस्पोरेंजियम बैठे रहेंगे जब तक एंथर यंग है जवान है लेकिन जब बेटा एंथर मेच्योर होगा जब एंथर मिच्योर होगा तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना दे विल इन टू पोलन सैक और इस पोलन सैक के अंदर बनेगा के अंदर बनेंगे मेल गैमिट जिनको एजेंट के द्वारा पहुंचाया जाएगा फीमेल की फीमेल पार्ट के ऊपर तो एनसीआरटी क्या कहती है एनसीआरटी कुछ कहती है ठीक है एनसीआरटी कहती है कि जब तक तो एंथर यहां पर फोकस करना जब तक एंथर है यंग वो क्या रहेगा माइक्रोस्पोरेंजियम रहेंगे इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम रहेंगे इसके अंदर, लेकिन जब एंथर हो जाएगा मेच्योर तब बेटा ये क्या बन जाएंगे पोलन सैक बन जाएंगे यस yes, बच्चों क्लियर हो गया तब बेटा ये क्या बन जाएंगे पोलन सैक बन जाएंगे यंग भी नहीं बनेंगे मेच्योरिटी पे जाके बनेंगे कौन बनाएगा पोलन सैक मेच्योरिटी पे माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएगा एक एंथर के पास कितना माइक्रोस्पोरेंजियम है चार तभी तो वो टेट्रास्पोरेंजिएट है है ना बच्चों तभी तो वो टेट्रास्पोरेंजिएट है तो अब सबसे पहले हम लोग लेयर्स के बारे में बात करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि मेल गैमेटोफाइट कैसे बना ठीक है जी यस एक एक चीज बेटा बहुत मजे से तुम्हारी कवर होने वाली है तो यस लेट अस टॉक अबाउट द आउटर लेयर आउटर लेयर हां जी बच्चों एक एक चीज तुम्हारी इतने मजे से बनेगी ना तुम खुद हैरान हो जाओगे यस yes, बेटो सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है बताओ अभी बताया तुम्हें आउटर टू तु इनर आउटर टू इनर बताया सबसे बाहर बेटा तुम्हारे पास प्रेजेंट है एपिडर्मिस एपिडर्मिस ठीक है जी कितनी लेयर्स है एपिडर्मिस में सबसे बाहर है तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव होगा आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट एंड इट इज द प्रोटेक्टिव वन पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट है स्पोरोफाइट का हिस्सा है अभी तो केमिटोफाइट बना ही नहीं केमिटोफाइट को अंदर वाला स्पोरोजीनियस टिश्यू बनाएगा ये तो स्पोरोफाइट है है ना ये तो स्पोरोफाइट है एंड बेटा ये सिंगल लेयर्ड है सिंगल लेयर्ड है ठीक है जी यस सिंगल लेयर्ड है ये बेटा एंथर के फटने में मदद करेंगी ये जो पहली तीन लेयर्स हैं पहली जो तीन लेयर्स है एपिडर्मिस एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर्स ये जो तीनों ही है ना ये तीनों बेटा एंथर के फटने में हेल्प करती हैं और बाहर की है तो प्रोटेक्शन भी देती हैं सो दिस विल हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर कि वो सूखेगा और फिर फट जाएगा फट जाएगा तो पोलन ग्रेन सारा उमड़ के बाहर आ जाएगा सारा का सारा पोलन ग्रेन बाहर आ जाएगा इट इज अ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर सिंगल लेयर देन आ जाइए बेटा अंदर उसके उसके अंदर आ जाओ मैं थोड़ थोड़े थोड़े गैप पे बना रही हूँ बट इतना गैप होता नहीं है मैं गैप इसलिए बना रही हूं ताकि आप अच्छे समझ पाए Yes. से अगली लेयर कौन सी आएगी ई एंडोथी एंडोथी दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, है नाटोफाइट तो क्योंकि बनाई नहीं अभी टू एन स्ट्रक्चर ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ स्पोरोज ऑल्सो सिंगल लेयर यह भी क्या है बेटा जी सिंगल लेयर है हमने मल्टी लेयर तो मिडल लेयर वाली ही बनानी है ओके okay जी सिंगल लेयर है सिंगल लेअर्ड है

इससे अंदर आ जाओ फंक्शन में एक साथ लिखूंगी अंदर यस इससे अंदर आ जाइए सो नेक्स्ट आता है आपके पास मिडल लेयर्स ये एक नहीं है ये दो से तीन है मिडल लेयर्स ठीक है जी ये बेटा मल्टीलेयर्ड है ये मल्टीलेयर्ड है ये भी अभी टू एन है पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट है दूसरी चीज बेटा ये जैसे ही बनेगी जैसे ही बनेगी कुछ समय बाद इसने इसनेरजन है मतलब इसकी जिंदगी कुछ क्षणों की है कुछ टाइम की ही है इट इट इस विल गेट डीजेनरेटेड नेचर को हम बोलते हैं एफी मेरल नेचर क्या बोलते हैं इसको एफी मेरल नेचर एफी मेरल का मतलब होता है जैसे ही कोई चीज बने कुछ समय बाद बेटा डिजेनरेट हो जाए डी हो जाए अब इन तीनों का कलेक्टिव फंक्शन बेटा जी अगर मैं लिखूं तीनों का कलेक्टिव फंक्शन अगर मैं लिखूं जो हमारी एनसीईआरटी बताती है इस कलेक्टिव फंक्शन पे ध्यान देना दे आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोटेक्शन क्योंकि बाहर बाहर है एक तो बेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे दूसरा एंथर के फटने में हेल्प करेंगे डेहिसेंस ऑफ एंथर डेहिसेंस मतलब फटना डेहिसेंस ऑफ एंथर अगर बेटा एंथर फटेगा तो पोलन ग्रेन निकलेगा पोलन ग्रीन निकलेगा तो डिस्पर्सल में भी मदद कर देंगे बट ये दो टर्म्स आपको याद रखना है प्रोटेक्शन प्लस डेहिसेंस ऑफ एंथर डेहिसेंस ऑफ एंथर हुआ तो डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रीन डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रीन यस बच्चो इतना क्लियर हुआ इतना क्लियर हुआ यस डेहिसेंस एंड प्रोटेक्शन एंड डिस्पर्सल मैं तीनों बता रही हूं देन आ जाइए बेटा अंदर की लेयर में सबसे अंदर की लेयर आ जाओ आ जाओ आ जाओ ओके मूविंग ऑन टू द इनर मोस्ट लेयर यस बच्चों मूविंग ऑन टू द इनर मोस्ट लेयर यस सबसे अंदर की लेयर तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे सवाल आया था इसी पे सवाल आया था यस द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज टेपेटम टेपेटम ऐसा लगता है कोई गाना है कोई गाना बोल रहे हैं ऐसा लगता है बच्चों कोई गाना है टेपेटम So, is layer. तो हो जाती है लेकिन साइटोकाइनसिस नहीं हो पाती तो एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाएगा यानी बनाया भी तो है मैंने जान के बनाया भी तो है। दो न्यूक्लियस है ना देटेड so,

जो कि आपके एनसीआर बताती है ठीक है इनर मोस्ट लेयर जो पोलन ग्रेन को नरिश करती है नेक्स्ट बेटा ये पोलन पोलन किट किट बनाता बनाता है क्या बनाता है क्या अब यार जब हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर करेंगे ना उसके बाहर एक होती है बाहर वाली लेयर उसके बाहर एक स्टिकी सा येलो कलर का सब्सटेंस रिलीज कर देगा क्यों बनाता है पोलन किट सारे पौधों में नहीं बनाता सारे प्लॉर्स में नहीं बनाता सारे पोलन ग्रेन में नहीं बनाता ये उन प्लार में बनाता है जिन जिनकी पॉलिनेशन इंसेक्ट की मदद से होनी है तो यार जब इंसेक्ट बैठेगा फ्लावर के ऊपर तो वो चाहता है कि पोलन ग्रेन उससे चिपक जाए तो पोलन ग्रेन के बाहर एक गमी टाइप का स्ट्रक्चर फेविकोल टाइप का स्ट्रक्चर लगा देंगे ठीक है उसको पोलन किट बोलते हैं और ये पोलन किट यही टेपेटम बनाता है इट इज ओनली फॉर्मड इन दोज प्लांट्स विच पॉलिनेट विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स ठीक है इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले बनाता है उनको बोलते हैं एंटोमोफिलस एंटोमोफिलस

जिसकी वजह से बनेगा स्पोरोपोलिनिन ये सब आएगा बेटा भी आएगा स्पोरोपोलिनिन बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है कोई एसिड आ जाए बेस आ जाए हाई टेम्परेचर आ जाए कुछ आ जाए ये नहीं टूट रहा ये अम्बुजा सीमेंट है अम्बुजा सीमेंट की दीवार है बेटा कुछ ले आओ बुलडोजर ले आओ जेसीबी ले आओ ट्रेन ले आओ ये नहीं टूटने की ठीक है ये सालों साल वैसे की वैसी रह लेती है तभी तो फॉसिल फॉसिलाइजेशन में हेल्प करता फॉसिलाइजेशन में अंबुजा सीमेंट अंबुजा सीमेंट है बेटा तो ये अपना इसके बारे में भी आगे और लिखेंगे देन बहुत सारे एंजाइम्स का सिंथेसिस है टेपेटम बड़ी इंपॉर्टेंट है हॉर्मोन का सिंथेसिस भी है ठीक है आई ए ए हॉर्मोन इंडोल एसिड ठीक है जी, यस, तो तो ये ये सारे फंक्शन किसके हो गए? टेपिटम के, तो बेटा की, की. अभी फट जिस, जिस हम चल रहे हैं जैसे जैसे नोट्स बनाते जा रहे हैं क्या आपको ये सब समझ आ रहा है और क्या अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती जा रही है और क्या आपने क्लास में एनरोल किया कि नहीं किया क्लास में एनरोल किया कि नहीं किया हां जी कर लिया एनरोल चलो बढ़िया बढ़िया अब बेटा बाहर की लेयर की तो बात हो गई अब बाहर की लेयर की तो बेटा जी बात हो चुकी है कि पहली तीन लेयर्स का काम है है जो बाहर से अंदर एंड एपिडर्मिस एंडोथीसियम लेयर का क्या काम है इनका काम है प्रोटेक्शन देना और डिस्पर्सल में और टेपिटम बेटा नरिशमेंट में इसका मेन काम है ठीक है जी अब अंदर के टिश्यू की बात होगी कि जो अंदर के सेल्स थे उन्होंने आगे जाके क्या बनाया स्पोरोजीनस टिश्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा यस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्पोरोजीनस टिश्यू ठीक है जी यस अब इसी स्पोरोजीनस टिश्यू के देखो स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर धसा हुआ जो जितने सेल है वो स्पोरोजीनस टिश्यू है ये 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 रहा रहा माइक्रोस्पोरेंजियम 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 बटो है इस के अंदर धसे हुए सेल्स को बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू अब इस स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर सेल्स डिफरेंशिएट होकर क्या बना लेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेंगे ध्यान देना सो so, इस टिश्यू के अंदर के सेल्स ही डिफरेंशिएट होकर बना लेंगे एमएमसी एम एम सी इज माइक्रोस्पोर मदर सेल ठीक है बचो माइक्रोस्पोर मदर सेल इनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा बताओ बताए सब बच्चे प्लॉइडी लेवल क्या होगा आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर ठूस ठूस के भरा हुआ है बेटा ठूस ठूस के बेटा पॉलन गेट मोहिनी आपके पोलन ग्रेन के बाहर एक स्टिकी ले कुछ ही पोलन ग्रेन के बाहर बनती है जो की इन्सेक्ट पॉलिनेटेड फ्लॉर्स है उनके पॉलन ग्रेन पे स्टिकी सी लेयर है जैसे फेविकोल टाइप लेयर होती है उसको पॉलिनगेट बोलते हैं हाँ जी बेटा क्या पूछा मैंने आपसे मैंने आपसे पूछा है इनकी प्लॉइडी लेवल बताई जाए बेटा कहीं मियोसिस करी है मैंने अभी नहीं करी तो इसका प्लॉइडी लेवल में क्या लिख दूंगी टू एन लिख दूंगी ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है अब इसमें मियोसिस होगी यस अब आया बेटा फंडा मियोसिस होगी और मियोसिस होके क्या बना लेंगे मियोसिस होके क्या बना लेंगे माइक्रोस्पोर्स तो माइक्रोस्पोर्स का प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा एन ये होंगे एन यही माइक्रोस्पोर अल्टीमेटली क्या बना लेंगे पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन ठीक है जी तो जब बेटा एंथर यंग होगा ध्यान देना अभी एंथर जवान है जब एंथर बेटा यंग है तब उसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू है माइक्रोस्पोरेंजियम है लेकिन जब एंथर मेच्योर होगा फटने के लिए तैयार होगा तो उसके अंदर ये सारा प्रोसेस होगा और पोलन ग्रेन बनेंगे क्योंकि फटने पे तो पोलन ग्रेन ही निकालना है माइक्रोस्पोरेंजियम थोड़ा निकाल देंगे है ना बच्चों माइक्रोस्पोरेंजियम थोड़ा निकाल देंगे चलो जी अब हम लोग माइक्रोस्पोर बनाने की विधि को करते हैं प्रारंभ माइक्रोस्पोर बनाने की विधि है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ठीक है जी चलो बनाने की विधि शुरू करते हैं ऑल द विल बी अवेलेबल ऑन सीप बायोलॉजी मैं लिख रही हूं टेलीग्राम का नाम ठीक है आप यहां से जाके ले लीजिएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इसके लिए मुझे पूरे माइक्रोस्पोर में से कोई एक सेल चाहिए बेटा वैसे तो सारे सेल करेंगे सारे सेल डिफ्रेंशिएट जो भी होंगे वो करेंगे लेकिन मैं कोई एक सेल पिक कर लेती हूँ इस एक सेल का नाम क्या है एम एम सी क्या है एम एम सी एम एम सी इज माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल इसको और क्या बोल सकते हैं पोलन मदर सेल पीएमसी भी बोल सकते हैं पोलन मदर सेल यस बच्चों प्रैक्टिस सेशन कहां होगा बेटा प्रैक्टिस सेशन ना करने के लिए हमें कतर जाना पड़ेगा क्या नहीं प्रैक्टिस सेशन कहाँ होगा बेटा प्रैक्टिस सेशन का लिंक दिया हुआ ये ऊपर कहाँ होगा ऐप पे होगा बेटा रोज होता है शाम को पांच बजे पांच बजे प्रैक्टिस सेशन होगा बट अब कतर क्यों ही जाए बेटा फीफा तो खत्म हो गया नहीं तो प्रैक्टिस सेशन के लिए तुमको ले जाती कतर बेटा प्रैक्टिस सेशन फ्री है जैसे कि ये क्लास फ्री है आप, आप पहुंच जाएंगे आप पे आपको बस उस पर एनरोल करना है क्या करना है एनरोल हाँ अब कहीं मैच हो रहा है बेटा बता दो कहीं इंडिया पाकिस्तान कुछ मैच हो रहे हैं बांग्लादेश एनीथिंग हैपनिंग जहां पे हो रहे हैं बेटा वो बता दो वहीं लेके चलूंगी प्रैक्टिस सेशन के लिए यस yes, मैच हो ना मां मुझे बता दो वहाँ लेके चलूंगी प्रैक्टिस सेशन के लिए ठीक है जी यस yes. ठीक है हो रहे है मैच आजकल मिर्जापुर में मिर्जापुर तो एक सीरीज थी बेटा हाँ नोट्स बेटा मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे सी पाजा बाली जी अभी तो मिटाया लिखा तो हुआ था इतनी देर से क्या सुन रहे थे तुम हैं सिर्फ नोट्स लेने आते हो तुम यस yes.

मेोसिस टू हुई अब मेोसिस टू में कितने सेल्स बन जाएंगे तुम्हें पता है इन दो सेल्स में दो दो न्यूक्लियस हो जाएंगे ठीक है जी एंड अल्टीमेटली चार सेल बन जाएंगे विद वन न्यूक्लियस इच ठीक है लेकिन अभी बेटा इस सेल आपस में चिपके हुए हैं किस शुगर से चिपके हुए कैलोस शुगर से चिपके होते हैं इनके बीच में ना यहाँ पर ये कैलोस शुगर है सारी ये इनको चिपका के रखती है इनको चिपका के रखती है तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बने? एन ठीक है N. ठीक है जी तो ये जो टाइप का डिवीजन हुआ है ये हुआ है मियोसिस और एक माइक्रोस्पोर से हमारे पास चार फंक्शनल माइक्रोस्पोर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से मेरे पास चार फंक्शनल माइक्रोस्पोर्स बन चुके

इसकी मदद से जुड़े हुए थे कैलोस की मदद से जुड़े हुए थे इसको मैंने ट्रीटमेंट दिया एक एंजाइम का एंजाइम का नाम है कैलेस कैलेस कैलोस को जाके तोड़ देगा तोड़ देगा अब बेटा चारों अलग हो जाएंगे चलो जी एक दो तीन चार चारों माइक्रोस्पोर बेटा जी अपने अलग हो गए ठीक है डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर अब ये बेटा कब डिसोसिएट करेंगे अगेन जब एंथर मेच्योर करेगा एनसीआरटी की लाइन है जब एंथर मेच्योर करेगा तभी ये अलग होंगे क्योंकि तभी तो इनसे पोलन ग्रेन बनाएंगे ऐसे थोड़ा यंग एंथर में बनाते रहेंगे नहीं वेन एंथर विल मेच्योर तब बेटा हम इनसे क्या बनाएंगे इनको अलग कर देंगे अब कोई एक माइक्रोस्पोर उठा लो यस बेटा एक माइक्रोस्पोर उठा लो उठा लिया हां जी सो दिस इज एनी वन माइक्रोस्पोर क्योंकि इससे अब हम मेल गेमिटोफाइट पोलन ग्रेन बनाने वाले हैं। एन ठीक है जी अब इस सेल के अंदर इस सेल के अंदर बेटा जी एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाएगा ये देखो बड़ा सा वैक्यूल बना इसको बोलते हैं वैक्यूलाइजेशन जिसकी वजह से इस सेल का न्यूक्लियस पे पुश हो गया ठीक है नीचे धस गया नीचे धसने के बाद बेटा अब इस सेल के अंदर बनेंगे अनईक्वल से स्पिंडल फाइबर्स क्या बनेंगे स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे इस न्यूक्लियस के बाहर तो ये अपना वैक्यूल है वैक्यूल है क्योंकि वैक्यूलाइजेशन हुई है ये अपना न्यूक्लियस है और बेटा यहां पर बने स्पिंडल फाइबर्स अनईक्वल स्पिंडल फाइबर्स आर क्ल स्पिंडल फाइबर्स सिंस बेटा फाइबर स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं तो ये एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये जो दो सेल हैं ये भी अन एकवल रहेंगे अनईक्वल रहेंगे एक सेल बड़ा होगा ऊपर वाला नीचे वाला सेल छोटा होगा द ऊपर वाला सेल इज कॉल्ड एजिटेटिव सेल क्या नाम देटा इसको वेजिटेटिव सेल इसके अंदर खूब न्यूट्रिशन है तभी तो मोटा है इसको बेटा ट्यूब सेल भी बोलते हैं ट्यूब सेल भी बोलते हैं ठीक है जी नीचे वाला सेल इज कॉल्ड एज जॉर्म सेल इसको क्या बोलोगे जॉर्म सेल और द जेनरेटिव सेल क्योंकि यहीं से मेल गैमेट बनेगा जेनरेटिव सेल तो यार जब अनइक्वल स्पिंडल फाइबर बने तो मेरे पास अनइक्वल टू सेल्ड स्ट्रक्चर बन गया इस अनइक्वल टू सेल्ड स्ट्रक्चर को ही अपन लोग क्या बोलते हैं पोलन ग्रेन एंड दिस पोलन ग्रेन इज मेल गैमिटोफाइट ठीक है तो माइक्रोस्पोर से अल्टीमेटली मैंने मेल बना लिया यस yes? माइक्रोस्पोर से अल्टीमेटली मैंने मेल गैमिटो बना लिया ओके पोलन ग्रेन बन गया पोलन ग्रेन बन गया सबका पोलन ग्रेन कितने सेल स्ट्रक्चर है बताना जरा पोलन ग्रेन कितने सेल्ड स्ट्रक्चर है यस yes. देख के बता दो देख के बता दो यस yes. ये बड़ा सेल है लार्ज सेल है मैं तब तक इसके फीचर्स लिख रही हूं बेटा लार्ज सेल है साइटोप्लाज भी ज्यादा है इरेगुलर न्यूक्लियस होता है बेटा इसके पास इरेगुलर सेल न्यूक्लियस होता है और इसी से अल्टीमेटली पोलन ट्यूब बनती है ये बेटा स्मॉल है ऐसा लगता है जैसे वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा है स्मॉल सेल है ठीक है जी एंड स्पिंडल शेप्ड है थोड़ा थोड़ा एंड बेटा यहीं से इट विल फॉर्म मेल गैमेट फॉर्म मेल गैमेट हाँ जी बेटा मैंने पूछा पोलन से पोलन ग्रेन कितना सेल स्ट्रक्चर है बेटा दिख नहीं रहा अभी के टाइम पे तो कितना सेल स्ट्रक्चर है ये दो सेल है ना एक दो पोलन ग्रेन इज अ टू सेल्ड स्ट्रक्चर द बिगर सेल इज वेजिटेटिव सेल लार्ज सेल मोर साइटोप्लाज्म अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स जो पोलन ट्यूब बनाएंगे और नीचे वाला सेल क्या है इसका जर्म सेल क्योंकि इसके अंदर होगी माइटोसिस इसके अंदर होगी माइटोसिस और एक से दो मेल गैमीट बनेंगे अब यार कुछ पौधे ऐसे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें पोलन ग्रेन ऐसे ही निकल जाता है टू सेल स्टेज में ही निकल जाता है।, है और बचे हुए पर डिवाइड करता है उसका जनरेटिव सेल टूटता है जेनरेटिव सेल टूट के दो गैमीट बनाता है और पोलन ग्रेन रिलीज होता है थ्री सेल स्टेज सब में नहीं होता साठ परसेंट में दो सेल्ड में चला जाता है और बच्चे हुए चालीस परसेंट में बेटा यहां पर भी माइटोसिस होती है और ये थ्री सेल्ड स्टेज में चला गया ठीक है तो यार थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितना मियोसिस और कितना माइटोसिस लगा बताओ जब तक मैं लिख रही हूं तब तक तुम बताओ थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितना मियोसिस और कितना माइटोसिस लगा तो वेन पोल आर रेडी पोलन ग्रेन रेडी हो जाते हैं तभी आंसर फटता है एंडस डेहस समेटा जो ये टू सेल स्टेज में होती है सिक्सटी परसेंट प्लांट में तो इन सिक्सटी परसेंट ऑफ एंजियोस्पर्म्स यस यहां पर कौन सी स्टेज होती है टू सेल स्टेज में ही डेहसेंस होती है यानी कि अभी गैमिट नहीं बने वो बाद में वहां जाके बनेंगे एंड बचे हुए फोर्टी परसेंट एंजियोस्पर्म्स में

ये देखो पहली माइटोसिस ये मियोसिस तो तुम्हें दिख ही रही है ये दिस इज वन मियोसिस एंड देन फर्स्ट माइटोसिस एंड देन सेकंड माइटोसिस ठीक है जी सो इन केस ऑफ मेल पार्ट इन ऑर्डर टू फॉर्म थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन वी नीड वन मियोसिस एंड टू माइटोसिस चलो जी बच्चों क्लियर हो गया पॉलन ग्रेन कैसे बनाया अब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कर लेते हैं ठीक है जी हाँ जी बेटा इस तरीके से समझ आ रहा है एक बार बता दो क्या हमारी ट्यूनिंग बैठ पा रही है जितने भी नए बच्चे मुझे देख रहे हैं जिनकी पहली क्लास है जिन्होंने मुझे फास्ट ट्रैक से देखना शुरू किया है क्या हमारी ट्यूनिंग बैठ पा रही है कम ऑन टेल मी अगर बैठ पा रही हो तो बेटा फटाफट से लाइक करके बता दो यस आई एम रीडिंग योर कॉमेंट्स बेटा यस बेटा फटाफट से इस तरीके से बेटा ट्यूनिंग बैठ पा रही है फास्ट कर दू इसको और फास्ट कर दू क्या यस बच्चों हाँ जी सही है स्पीड बता दो फटाफट से हाँ जी बेटा क्लास इलेवेंथ बीसी कोर्स में होगी ट्वेल्थ बीसी कोर्स में होगी मैं पूरी बॉटनी जोलॉजी दोनों चीजें कराने वाली हूँ तो नीट 2023 की तैयारी आपकी इसी अमेजिंग टीम से होगी इसी बैच से होगी इसी चैनल से होगी ठीक है सही है ओके okay? सही है सही बता दो बता दो बता फट दो फटाफट से बेटा पोलन ग्रेन ही मेल गैमिटोफाइट है मेल गैमिटोफाइट के अंदर मेल ग्यामीट बनता है तो पोलन ग्रेन का जो जनरेटिव सेल है वही तोड़ के मेल गामीट बनाता है मेल बनाता है चलो जी पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कर लेते हैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की अगर बात करें बेटा द सेल वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इसकी सेल वॉल को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिस जिसको आता है जिसने पहले मेरे से पढ़ा हुआ है बेटा आंसर भी देते जाओ यार द सेल वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज स्पोरोडर्म ठीक है ये जो स्पोरोम है ये आगे डिवाइड हो जाती है आउटर एंड इनर लेयर में द द आउटर वन इज कॉल्ड एज एंड इनर वन इज कॉल्ड एज ठीक है ये आगे डिवाइड हो जाती है आउटर वन इज कॉल्ड एज एंड द इनर वन इज कॉल्ड एज कॉल्डाइन ये देखिए बेटा मैं बना रही हूँ ये बाहर की तरफ ये बड़ी हार्ड होती है इसमें अलग अलग पैटर्न एंड डिजाइन होते हैं और ये अंदर वाली है ये अंदर वाली है ये बेटा इंटाइन है ठीक है सो दिस इज इंटाइन एंड दिस वन इज एक्साइन अगर मैं आउटर वॉल की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है बेटा आउटर वॉल वॉल हार्ड हार्ड होगी ये किससे बनती है ये बनती है बेटा ये जो स्पोरोपोलिनिन है इसको तुम एसिड दे दो इसको तुम बेस दे दो इसको तुम हाई टेम्परेचर दे दो इसको कुछ भी दे दो एंजाइम दे दो कुछ दे दो ये खराब नहीं होता ये बेटा अंबुजा सीमेंट है ये मुजा सीमेंट की तरह स्पोरोपोलिनन खराब नहीं होगा सालो साल मिलियन ऑफ ईयर ऐसे ही पड़ा है यानी कि दिस इज गोइंग टू तो हेल्प इन फस्टिलाइजेशन फस्टिलाइजेशन ये सवाल कि इन पोलन ग्रेन को एज अ फॉसिल प्रिजर्व करने में कौन मदद करता है ये आया था बेटा नीट 2018 में नोट कर लो बेटा

ठीक है जी, yes, और इसी में से पोलन ट्यूब निकलती है इट फॉर्म्स पोलन ट्यूब अच्छा यस और नो में आंसर देंगे क्या जर्म पोर में स्पोरोपोलिनिन है या नहीं है क्या जर्म पोर में स्पोरोपोलिनिन है या नहीं है बता दो जर्म पोर के अंदर स्पोलो स्पोरोपोलिनिन है या नहीं है जर्म पोर के अंदर यस और नो तो एक बच्चा कह रहा है मैं हिंदी में बताइए बेटा तो मैं क्या अभी उर्दू चल रही है हैं या फ्रेंच चल रही है जर्मन चल रही है और कौन सी भाषा में बताएं यार जम बोर के अंदर गैप है बेटा ये स्पोरोपोलिनट है स्पोरोपोलिन ठीक है, है? यस तो ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी एटीन में से सवाल आया वेरी रिसेंट सवाल हांजी जी एब्सोल्युटली तो ये बन गया अपना पोलन ग्रेन की आउटर लेयर अगर मैं बात करूं पोलन ग्रेन के यू नो डायमेंशन की सो इफ आई टॉक अबाउट द डायमेंशन ऑफ द पोलन ग्रेन देन इसका डायमीटर पता है कितना होता है पच्चीस से पचास माइक्रोमीटर डायमीटर और स्फेरिकल शेप होती है तो तुम्हें पता ही है, होती है. तो पता है यार पोलन ग्रेन से सामान भी बनता है देयर आर सर्टेन पोलन प्रोडक्ट आल्सो पता है इससे टेबलेट बनती है दवाई बनती है इसके, आते हैं। Do you know about this? इसके बेटा खाई जाती है इससे बनी हुई दवाई और ये किसको दी जाती है रेस होर्सिस को जो रेस में दौड़ने वाले बेटा घोड़े है तुमने पता ही है यार ये बहुत बड़ा फॉरेन में ज्यादा होता है इंडिया में तो इतना नहीं है कि घोड़ों की वो रेस कराई जाती है उनपे पैसे लगाए जाते हैं बहुत कुछ होता है तो घोड़ों को तगड़ा करने के लिए क्या दिए जाते हैं पोलन प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं ठीक है जी अब पोलन कितने समय तक जिंदा रहता है उस चीज को हम बोलते हैं पोलन वायबिलिटी कितने समय तक बेटा जिंदा रहता है इसको बोलते हैं पोलन वायबिलिटी अब ये पोलन वायबिलिटी बेटा कि मतलब कितना समय है इसके पास जब तक इसको स्टिग्मा तक पहुंच जाए और ये वायबल रहे ये आगे पोलन ट्यूब बना पाए वो होती है पोलन वायबिलिटी ये सबके लिए डिफरेंट है इट इट इज हाईली वेरिएबल और ये चीज पता किस पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर क्या है एंड ह्यूमिडिटी क्या है इन दो चीजों पे बेटा पोलन की वायबिलिटी की कब तक जिंदा रह सकता है वो डिपेंड करती है कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं बेटा जिसमें पोलन वायबिलिटी जस्ट थर्टी मिनट्स थर्टी मिनट्स ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ ग्रामीण फैमिली जैसे सीरियल हो गए ग्रामीण फैमिली के मेम्बर्स ये बच्चे हैं ना जो इस समय कॉल करते हैं और ऑडियो नहीं वीडियो कॉल करेंगे बहुत बढ़िया है बेटा ऐसे बच्चे जो जिनको कुछ नहीं पता कि क्लास कब है बस फोन खड़काई जाना फोन खड़काई जाना जा, मैम क्लास वो बता दो कि तैयारी कैसे करनी है तैयारी बेटा ऐसे करनी है क्लास लगा के तैयारी होती है तुम क्यों क्या लगता है तैयारी कैसे होती है एक बारी अगर हार गए एक बारी अगर नंबर कम आ गए अब मेरा नहीं हो सकता एक बारी बेटा अगर तुम्हारे एक बारी भी तुम्हारे दोस्त के तुम्हारे से ज्यादा नंबर आ गए अब मेरा नहीं हो सकता मैं तो बिल्कुल निकम्मा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नाम की चीज ही नहीं है बेटा अपने अंदर कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आया ना जब तक ये नहीं लगा कि आज मैं गिर गया हूं बट मैं फिर उठूंगा हर चैप्टर के साथ अगर मैं आज गिर गया हूं मैं फिर उठूंगा मेरे से ये सवाल नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं मैं फिर करूंगा मैं फिर कोशिश करूंगा बेटा तब तक बात नहीं बनती तब तक बात नहीं बनती ये कॉले खड़काने से स्ट्रैटेजी पूछने से कुछ नहीं होगा स्ट्रैटेजी बेटा पहले दिन के लिए होती है तुम्हें पहले दिन फास्ट ट्रैक कोर्स में बताई थी बस वही है अगली स्ट्रैटेजी है रोज कक्षा में आना रोज क्लास लगाना अगर तुम रोज क्लास नहीं लगाओगे तो सब है बर्बाद है ठीक है मिस्टर गेम चेंजर अगर कोई डाउट है तो प्लीज कम टू स्पेशल क्लास स्पेशल क्लास में आना जरूरी है हम आधी चीजें करते हैं हम शुरुआत करते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन करते हैं उसके आगे भूल जाते हैं उसके आगे हम छोड़ देते हैं उसके आगे हम बिल्कुल बाहर निकल आते हैं ऐसे नहीं चलता बेटा ये जो अंदर की आग है ना कम होती जा रही है मैं देख रही हूं ये आग तुम्हारी दिन पर दिन कम होती जा रही है अगर तुमने रोज क्लास नहीं लगाई तो बेटा बायो में फिर थ्री सिक्सटी मैं नहीं ला सकती हूँ मेरी कोई गारंटी नहीं है बेटा गारंटी उस बच्चे की मैं ले सकती हूं जो हर कक्षा लगाए जो गिरने पर भी फिर उठे जो डीमोटिवेट होने पर भी फिर अपने आप को डिसिप्लिन के तहत उठा कर लेके आए मोटिवेशन का डोज रोज नहीं मिलेगा रोज क्या हो सकता है सिर्फ डिसिप्लिन हो सकता है तो अपने आप को कंसिस्टेंट बनाओ तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल रही है यार फ्री ऑफ कॉस्ट कौन तुमसे पैसे ले रहा है

बिना पैसे भरे बेटा सीरियसनेस नहीं आ पा रही तुम में है कि जब तक मैं कोर्स नहीं खरीदूंगा तो सीरियसनेस नहीं आएगी तो खरीद लो भैया कल कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है वो ले लो किसी तरीके से तो सीरियसनेस लेके आओ ऑल वी वांट इज योर सिलेक्शन नो मैटर तुम यहाँ पे फ्री में बैठ के करो नो no मैटर तुम प्लस में बैठ के करो कहीं और बैठ के पैसे देकर करो लेकिन बेटा आपका सिलेक्शन लाने का तरीका यही है रोज क्लास लगाना बेटा वहां तीन हजार का कोर्स लोगे ना तो भी रोज क्लास लगानी पड़ेगी बिना क्लास लगाए तो कुछ नहीं होता नंबर दिख रहा है इतना सिलेक्शन सिलेक्शन हो गया बेटा बेटा मैक्सिमम मैक्सिमम ऑनलाइन से हुआ है हजार बच्चे बेटा, के सिलेक्ट हुए भीड़ इकट्ठी करने से बात नहीं बनती बेटा सिलेक्शन लाने से बात कर बनती है सिलेक्शन तभी आता है जब उस पर फोकस वे में मेहनत करी जाए और तुम बेटा यहाँ बैठ कर भी सिलेक्शन ला सकते हो रैंक की बात नहीं कर रहे हो रैंक किस्मत रैंक क्या है तुम्हारी किस्मत बट सिलेक्शन बेटा इस कोर्स से हो सकता है सिलेक्शन तुम हम तीनों टीचर से निकाल सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल सकते हो लेकिन अगर मन में खलबली मच रही है कि यार देनी है देनी है मैं दे के निकालूंगा तो दे दो आ जाओ प्लस में तब निकाल लेना बट सिलेक्शन बेटा ऐसे डिसिप्लिन से ही निकलता है चाहे कहीं से भी डिसिप्लिन आए यस ठीक है जी मैम छोड़ती नहीं है रोस्टिंग गोइंग ऑन चलिए बेटा okay. कुछ पोलन ऐसे जिनकी वायबिलिटी सिर्फ तीस महीने कुछ पोलन ऐसे हैं बेटा जो महीनों तक जिंदा रहते हैं सेवरल सेवरल मंथ्स मंथ्स तक रह जाएंगे जैसे मेंबर्स ऑफ फैमिली रोजेशिए रोजेशिया ओके जी क्लियर हो गया पोलन वायबिलिटी पोलन वाइबिलिटी याद रहेगी बेटा अब बेटा पोलन ग्रेन को तुम लिक्विड नाइट्रोजन में माइनस वन डिग्री में प्रिजर्व भी कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं क्रायो प्रेजर्वेशन क्या बोलते हैं बेटा जी इसको क्रायो प्रेजर्वेशन और ये जो सवाल है क्रायो प्रेजर्वेशन पे क्रायो प्रेजर्वेशन कहीं भी आ जाए वी आर स्टोरिंग देम इन द फॉर्म ऑफ बैंक पोलन बैंक बना रहे हैं, जैसे सीड बैंक नहीं होता

चेक कर लेना जाके तुम चेक कर लेना बेटा मुझे याद है चेक कर लेना अब यार कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन ऐसे हैं जिससे खांसी आने लगती है जुकाम हो जाता है आंखों में पानी आ जाता है यानी कि देर आर सम प्लांट्स जिनके पॉलन ग्रेन एलर्जी भी कॉज करते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलन एलर्जी ठीक है पॉलन एलर्जी वो होता है ना बेटा गुलाब दिया और गुलाब को जैसे सूंगा और वैसे ही ठीक चलो जी तो वो होती है पोलन एलर्जी कुछ प्लांट्स है बेटा जो एलर्जी कॉज करते हैं पोलन के द्वारा जो एलर्जी होती है उसको बोलते हैं हम हे फीवर क्या बोलते हैं हे फीवर ठीक है एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट बेटा जो पोलन एलर्जी कॉज करते हैं चीनोपोडियम चीनोपोडियम एमर एंथस एंड पार्थीनियम कैरेट ग्रास पार्थीनियम ठीक है पार्थीनियम जिसका क्या बोलते हैं कैरेट है? ग्रास टेंट ये रेस्पिरेटरी एलर्जी है बेटा एलर्जी तुम्हें पता ही एक्जरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसमें आंखों से पानी आएगा नाक से पानी आएगा और तुम्हें छींकें आएंगी दिस इज दॉलन एलर्जी मेल पार्ट द एंड्रोशियम एंड्रोशियम हो गया बेटा हमारा पहला जो गोल है आज का वो हमने कंप्लीट कर लिया एंड्रोशियम हमने डिटेल में अच्छे से कर लिया बेटा एंड्रोशियम इज डन हमने क्या क्या किया कि एंड्रोशियम

गोल नंबर टू की तरफ आ गए हैं जिसका नाम है मेगा दो। फटाफट से थक गए क्या हाँ जी बेटा थक गए क्या थकना मना है बेटा क्लास में थकना मना है ठीक है जी यस माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री पे होती है यस जो बच्चों को बहुत चूल है मैम फास्ट कराओ

ठीक है जिनको फास्ट करना है अपनी स्पीड के हिसाब से चलिए मैं बेटा आपको एक जनरल स्पीड से करा रही हूं जिससे जो फर्स्ट टाइम भी कर रहा है क्योंकि यार मेरा टारगेट टॉपर नहीं है टॉपर अपना ध्यान खुद रख रहा है मेरा टारगेट बिलो एवरेज है क्योंकि मैं जानती हूँ बिलो एवरेज के पास भी पोटेंशियल है और उसको अगर एनसीआर अच्छी समझाई जाए वो नाइनटी परसेंट क्वेश्चन तो ठीक करके ही आ सकता है तो बिलो एवरेज बच्चे के लिए जो स्पीड इस समय रिक्वायर्ड है हम उस स्पीड से चलेंगे और बिलो एवरेज को उठाकर मैंने अगर तुम्हें जीएमसी में ना छोड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ना छोड़ा बिशरते तुम मेरी हर क्लास लगाओ तो बेटा बात ही अलग है बात ही अलग है मैं हर उस बच्चे को जिसके आज तक स्कोर नहीं आया मैं उसे गवर्नमेंट कॉलेज में छोड़ के आ सकती हूँ लेकिन बेटा आपको बस रोज डेडिकेशन से क्लास लगानी है ठीक है डेडिकेशन से क्लास लगानी है चलो जी बेटा हाँ जी तो शुरू करते हैं बेटा कार्पेल और पिस्टल इस कार्पेल और पिस्टल यानी कि गायनोशियम के पास तीन हिस्से हैं ये देखिए दिख रहा है 10th क्लास का पोर्शन है ये जो अपर वाला हिस्सा है ऊपर इज द रिसेप्टिव पार्ट व्हिच इज कॉल्ड ए स्टिग्मा स्टिग्मा बेटा रिसीव करता है पोलन ग्रेन को चिपचिपा सा होता है इस पे आकर पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं देन ये जो डंडी वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल इसी के थ्रू पोलन ट्यूब होती हुई जाती है एंड नीचे जो मेजर पार्ट दिखाई दे रहा है ये है ओवरी ये है ओवरी अब ओवरी के अंदर जो कैविटी है इस कैविटी को बोलते हैं लोक्यूल ये सारा पेरन काइमा प्लेसेंटा से भरा हुआ है लोक्यूल इन लोक्यूल के अंदर होते हैं ओव्यूल्स क्या होते हैं बेटा जी ओव्यूल अब यार जरूरी नहीं है कि एक ओवरी के पास एक ही ओव्यूल हो चार भी हो सकता है पांच भी हो सकता है दस भी हो सकते हैं सौ भी हो सकते हैं यानी कि ओवरीज दो तरीके की हो सकती है या तो ओवरी के पास सिंगल ओव्यूल होगा बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम्पल ओव्यूल बेटा बड़ा होकर बीज बनाता है कोई ऐसा प्लांट बताओ जिसके पास एक ही बीज होता है एक ही गुठली होती है आम की किसकी गुठली होती है बेटा एक मैंगो है ना एक ही बीज होता है यानी कि उसकी ओवरी के पास एक ही ओव्यूल था देन बेटा सीरियल्स वीट राइस ये सबके पास भी एक ही ओव्यूल वाली ओवरी होती है ठीक है जी देन बेटा ओवरी हो सकती है मैनी ओव्यूल्स वाली भी मैनी ओव्यूल्स वाली भी जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं बच्चों बहुत सारे बीज होते हैं जैसे पपीता पपाया ठीक है वॉटरमेलन मतीरा तरबूज ठीक है बैंगन बैंगन में देखिए कितने बीज होते हैं ब्रंजल मिर्ची चिल्ली कितने सारे व्हाइट व्हाइट बीज होते हैं है ना तो जिसमें तुम्हें एक बीज दिखाई देता है यानी उसकी ओवरी के पास एक ओव्यूल था ऑब्वियसली विद एक्सेप्शन हम बाद में करेंगे जिसके पास बहुत सारे ओव्यूल होते हैं यानी कि उसकी उस फ्लावर में क्योंकि फ्लावर आ, उस फ्रूट में फ्लावर ने अल्टीमेटली फ्रूट बनाना है उस फ्रूट में बेटा मल्टीपल बीज प्रेजेंट होंगे अब यह सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ओव्यूल कितने हैं कई बार बेटा सवाल ये है कि एक फ्लावर के अंदर कार्पल कितना है ये तो तुम्हें एक कार्पल दिखाई दे रहा है लेकिन बेटा कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो मल्टी कार्पेलरी भी होते हैं तो फ्लावर्स को मैं एक और क्लासिफिकेशन में डाल रही हूं कि कुछ का जो गाइनोशियम है वो मोनोकार्पेलरी होता है क्या होता है बेटा गाइनोशियम मोनो कार्पेलरी यानी कि एक कार्पल ये देख रहे एक कार्पल ओके जी चलो कुछ का जो गाइनोशियम है मोस्टली क्या होता है मल्टी होता है मल्टी फोटो ही बनी हुई है बेटा एनसीआरटी में

एंड रोज इसमें एक से ज्यादा कार्पल है लेकिन खुला हुआ है इसके बेटा एनसीईआरटी में डायग्राम भी है मैं दिखा दू दिखा दू फटाफट फट से डायग्राम हां जी शुड आई शो यू द डायग्राम एक मिनट कहां से दिखाना है एनसीईआरटी हम्म 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 मिल गया है अभी आ रहा है उड़ता हुआ ठीक है जी ओके okay जी जस्ट yes. शोइंग ओहो ये कहा आ गया यस yes, बेटा ये देखिए दिख रहा है सबको ये देख ली बेटा सिन कार्पस ओवरी सिन कार्पस मतलब जुड़े हुए हैं एक से ज्यादा हैं। ऑब्वियसली मल्टी कार्पिलर ही है ठीक है मल्टी है बट सिन कार्पस जुड़े हुए हैं मोस्टली ऐसे ही होता है

इन ध्यान देना बेटा मेरे साथ साथ बनाइए देख रहे हो यस yes, बच्चों बच्चों ड्रॉ द स्ट्रक्चर ड्रॉ द स्ट्रक्चर यस कैन यू सी कैन यू सी दो कवरिंग्स हैं बेटा इस ओब्यूल की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं इंटेग्यूमेंट ये जो तुम्हें दिखाई दे रही है ये फर्स्ट कवरिंग है आउटर कवरिंग और ये क्या है आपकी इनर कवरिंग तो सबसे पहले बेटा मैं लेबल कर रही हूँ कवरिंग को कवरिंग को आई आउटर इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्शन में हेल्प करती है आउटर इंटेग्यूमेंट और ये वाली है इनर इंटेग्यूमेंट ठीक है इनर इंटेग्यूमेंट ये पूरा ओव्यूल है बेटा ये जो ओव्यूल है इसकी एक डंडी है ये दिखाई दे रही है इसकी बेटा जी एक ये डंडी है ये स्टॉक है जो इसको प्लेसेंटा के साथ जोड़ती है जो इसको प्लेसेंटा के साथ जोड़ती है जो ओव्यूल की कवरिंग है इसके साथ बेटा ये जो डंडी अटैच है इसको प्लेसेंटा के साथ जोड़ती है और इस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल क्या बोलते हैं बेटा जी इस स्टॉक को फ्यूनिकल फ्यूनिकल ठीक है जी इट अटैचेस टू द वॉल अटैचेस ओव्यूल

एक पॉइंट पे जुड़ी हुई है एक पॉइंट पे जुड़ी हुई है एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते हैं वेयर फ्यूनिकल ज्वाइंट विद द ओव्यूल दिस पॉइंट मैं इसको बेटा अलग कलर से कर देती हूँ दिस पॉइंट दिस इज कॉल्ड एज हाइलम इसको हम क्या बोलते हैं हाइलम हाइलम क्या है पार्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद ओव्यूल ठीक है अटैचमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा हाइलम Of funicle with ovule. ये पता है किसकी तरह है? ये बेटा आपकी नाभि की तरह है। आपकी नाभि के साथ जब आपका जन्म होता है तो जुड़ी होती है। वैसे ही बेटा ये एक नाभि की तरह है कि इसी के साथ ही फ्यूनिकल जुड़ा होगा और ये मदर यानी कि प्लेसेंटा से अटैच होगा तो हाइलम एंड द फ्यूनिकल ठीक है अब यार इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर बना येलो कलर का दिस इज कॉल्ड एज फीमेल गैमिटो ओव्यूल के अंदर मेगा के अंदर ये क्या है फीमेल गैमिटो है एंड दिस फीमेल गैमिटो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोसैक अभी हम अगले पेज पे देखेंगे कि एम्ब्रोसैक बनता कैसे है कि एम्ब्रियोसैक बनता कैसे है बट ये एम्ब्रियोसैक है अब बेटा दिस इज एम्ब्रियोसैक

सेवन सेल डेट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है कैसे बन रहा है अभी हम करेंगे बट मैं अभी जस्ट छोटा सा बना रही हूँ अब यार तुम तो एक हिस्सा देख रहे हो इस का, जहां ही नहीं है यहां पर इंटेग्यूमेंट एबसेंट है this part, this end, absent, इस हिस्से को बेटा जी हम क्या बोलते हैं माइक्रो पाइलर एंड बोलते हैं माइक्रो पाइलर एंड बोलते हैं माइक्रोपाइल और बेटा इससे जस्ट ऑपोजिट हिस्सा अगर ये माइक्रोपाइल है तो इससे जस्ट ऑपोजिट वाला हिस्सा क्या होगा दिस एंड इज कॉल्ड एज दलाजल एंड ठीक है ये बेसल पार्ट है. है बेस ऑफ ओव्यूल बनाता है क्लियर है बेटा क्लियर है तो ओवरी के अंदर है ओव्यूल ओव्यूल के अंदर मैंने क्या देखा ओव्यूल के अंदर मैंने देखा कि यार बहुत सारा प्रेजेंट है पे इसी, इसी का एक एक सेल गैमिटोफाइट के अंदर फीमेल का गैमिट बनेगा वो अभी देखेंगे देन बेटा जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं है वो माइक्रोपाइलर है इससे जस्ट ऑपोजिट छलाजल है इसकी डंडी क्या है फ्यूनिकल फ्यूनिकल बेटा हाइलम से ओव्यूल को जोड़ती है हाइलम फ्यूनिकल को ओव्यूल से जोड़ता है क्लियर है क्लियर है हमने टिपिकल ओव्यूल बनाया एनाट्रोपस लेकिन अलग अलग तरीके के ओव्यूल भी होते हैं अब यार इस ओव्यूल को और डिटेल में करते हैं इस ओव्यूल के अंदर मान लो मान लो अब आपको थोड़ा सा मानना है इस ओव्यूल के अंदर मान लो भी गेमिटोफाइट नहीं है सारा क्या है न्यूसेलस सारा न्यूसेलस है बेटा सारा न्यूसेलस एम्ब्रियोसैक तो बनेगा गेमिटोफाइट तो बनेगा सारा न्यूसेलस है अब यार वन सेल ऑफ द न्यूसेलस व्हिच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल सुनो ध्यान से सुनो स का एक सेल जो कि माइक्रोपाइल की तरफ है वो कहलाएगा मेगास्पोर मदर सेल ठीक है वो डिफरेंशिएट होकर बन जाएगा मेगास्पोर मदर सेल एक सेल बेटा, सिर्फ एक। मेल की तरह नहीं है मेल पार्ट की तरह नहीं है कि इतने सारे सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल इतने सारे है? नहीं यहां पर एक ओव्यूल में एक ही मेगास्पोर मदर सेल होगा और वो कौन होगा वो बेटा न्यूसेलस का सेल होगा कोई एक सेल जो कि कहा है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है वो डिफरेंशियट होकर क्या बना रहा है मेगा स्पोर मदर सेल बना रहा है ठीक है तो अपने पास एक ओव्यूल में कितना मेगास्पोर मदर सेल हुआ सो वन सेल ऑफ द न्यूसेलस जो कि कहां पर है टुवर्ड्स माइक्रोपाइल ये डिफ्रेंशिएट होकर बेटा क्या बनाया मेगा स्पोर मदर सेल एक ही सेल बेटा बनाएगा एक ओव्यूल के पास एक ही एमजीएमसी होगा दिस इज मेगास्पोर मदर सेल इसने बना लिया ये बहुत बड़ा सेल होगा डेंस इसके पास साइटोप्लाज्म होगा और टुवर्ड्स माइक्रोपाइल होगा याद रखना इट्स अ बिग सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड दिस इज टुवर्ड्स माइक्रोपाइल अब यार ये मेगास्पोर मदर सेल मान लीजिए ये है यस दिस इज मेगास्पोर मदर सेल ठीक है क्या होगा इसका प्लॉयडी लेवल ऑब्वियसली 2n हो गया दिस इज एमजीएमसी इस एमजीएमसी में होगी मियोसिस इसमें क्या हुई बेटा मियोसिस मियोसिस वन मियोसिस टू अल्टीमेटली एक सेल से कितने बन जाएंगे चार सेल बन जाएंगे ये जो चार सेल बने इनको हम बोलते हैं मेगास्पोर्स दीज आर कॉल्ड एज मेगास्पोर्स कौन सा डिवीजन हुआ मियोसिस हुआ और हमने मेगास्पोर बना लिए इन मेगास्पोर में से ध्यान देना है इन मेगास्पोर में से तीन मेगास्पोर डीजनरेट कर जाते हैं जो माइक्रोपाइल की तरफ है ना दे देजनरेट और एक ही बचता है दिस इज द ओनली फंक्शनल 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 लेफ्ट जो Megaspore है वो किस तरफ प्रेजेंट होगा चलाजा की तरफ होगा towards चलाजा वेरी इंपॉर्टेंट चलाजा के साइड पे जो बच गया है ना बस वही फंक्शनल रहता है नीचे तीन माइक्रोपाइल वाले तो मर जाते हैं थ्री दे आर गोइंग टू डिजनरेट ओनली वन विच इज टू वर्ड द चलाजा इट विल रिमेन फंक्शनल

फीमेल गैमीट एक ही रहेगा क्योंकि यहां पर तीन माइक्रो मेगास्पोर मर जाते हैं माइक्रोपाइल वाले और एक ही आपका फंक्शनल रहता है अब यार फंक्शनल मेगास्पोर से आगे कहानी बनाते हैं ये हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है प्लॉइडी लेवल एन फंक्शनल मेगास्पोर अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर तुम माइटोसिस गिनोगे अब ध्यान देना इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर जिसका प्लॉइडी लेवल एन है पहली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई फ्री न्यूक्लियर होती है जिसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई कैरियोकाइनेसिस हुई एक हुई पहले ये क्या बना बाई न्यूक्लियेटेड बना ठीक है फिर एक और हुई अब कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे बच्चों एक और सेकंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई तो दो न्यूक्लियस से आपके चार न्यूक्लियस बन गए फिर बेटा एक और हुई एक और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई और चार न्यूक्लियस से तुम्हारे पास एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ न्यूक्लियस बन गए तो पहले बाई करी बताओ जरा कितनी बारी करी माइटोसिस नंबर वन एक से दो माइटोसिस नंबर टू दो से चार माइटोसिस नंबर थ्री चार से आठ अभी साइटोकैनसिस नहीं हो हमने केरोसिस पहले कर लिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है

इन आठ न्यूक्लियस में से कितना एट न्यूक्लियटेड इन आठ न्यूक्लियस में से ये ऊपर वाले तीन और नीचे वाले तीन ने सेल वॉल भी बना ली ये बीच के दो सेल वॉल नहीं बना पाए मतलब आठ में से छह ने सेल वॉल बनाई तो नहीं बना पाए ठीक है छह ने सेल वॉल बनाई तो नहीं बना पाए तो सिचुएशन क्या हो गई सिचुएशन हो गई ये ऊपर वाले ने वॉल बना ली तो प्रॉपर सेल बन गया नीचे वाले ने भी सेल वॉल बना ली तो तीन प्रॉपर सेल बन गए बट बीच के दो ऐसे पड़े बीच के दो ऐसे पड़े ये जो स्ट्रक्चर बना है ये स्ट्रक्चर है बेटा सात सेल्स का सेवन सेल लेकिन एट न्यूक्लियेटेड एट न्यूक्लियेटेड सेवन सेल कैसे हुए सेवन सेल कैसे हुए ये ऊपर तीन सेल नीचे तीन सेल ठीक है छह ये बड़ा सेल भी तो है एक सात सात सेल बड़ा सेल सेंट्रल सेल ठीक है

स्ट्रक्चर है ठीक है जी एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है ये जो क्वेश्चन है ना ये कि एक मेगास्पोर से चार मेगास्पोर्स बनते हैं ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ है, नोट कर लो इसको नीट 2016 में नीट 2016 फेज टू में बेटा ये एक मेगास्पोर से कितने बनते हैं फंक्शन टोटल चार बनते हैं जिसमें से एक ही फंक्शनल रह जाता है एक ही फंक्शनल रह जाता है ठीक है जी यस yes, तो कितने सेल और कितने न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बताओ बेटा इतना समझ आया, इतना समझ आया? हां जी अब मैं इसका बड़ा डायग्राम बना दू बड़ा डायग्राम बना दू सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का जिसमें हम लेबलिंग करेंगे कि क्या क्या है चलिए तो सबसे बाहर है मेरे पास दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक ठीक है इसी को फीमेल गैमिटोफाइट भी बोलते हैं इसी को फीमेल गैमिटोफाइट भी बच्चों बोलते हैं ठीक है ये एक माइक्रोस्पोर से बना है मेगास्पोर से बना है सिंगल क्योंकि तीन तो मर गए थे इसीलिए बेटा ये मोनोस्पोरिक है मोनोस्पोरिक मोनोस्पोरिक क्यों क्योंकि एक ही माइक्रोस मेगास्पोर से बना है मोनोस्पोरिक है सबसे पहले इसको पॉलीगोनम में डिस्कवर किया गया था तो ये पॉलीगोनम टाइप है पॉलीगोनम में डिस्कवर किया गया था तो पॉलीगोनम टाइप है ठीक है ठीक है जी ऊपर वाले कोने पर ऊपर वाले कोने पर बेटा चलाजल एंड पे ये कौन सा एंड है चलाजल? और नीचे है माइक्रोपाइल चलाजल एंड पे बेटा जी अगर देखे तो मेरे पास तीन न्यूक्ल तीन सेल्स प्रेजेंट है ये देखिए so इन तीन सेल्स का नाम क्या है एंटीपोटल सेल्स चलाजल की तरफ जो तीन सेल बने इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स क्या नाम है एंटीपोडल सेल नीचे जो माइक्रोपाइल की तरफ बनते हैं नीचे बेटा जी जो माइक्रोपाइल की तरफ बनते ये जो मैंने दो सेल बनाए हैं बड़े बड़े जिनके पास ऐसा ही एपरेटस भी है दीज आर कॉल्ड एस साइनरजिड्स साइनरजिट्स ये जो इनके एपरेटस है इस ऑपरेटर्स को बोलते हैं फिल्ली फॉर्म ऑपरेटर्स फिल्ली फॉर्म ऑपरेटस ये जो फिलिफॉर्म ऑपरेटस है ये पोलन ग्रेन को अपनी तरफ खींचता है पोलन ट्यूब को कहेगा कि भैया इधर से एंट्री मारनी है ये पोलन ट्यूब आ रही है वो कहेगा इधर से एंट्री मारनी है ऊपर से नहीं जाना है यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है फिलिफॉर्म ये की ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा कि पोलन ट्यूब विल मूव कीमोट्रोपिकली टू द माइक्रोपाइलर एंड यही से पोलन ट्यूब बेटा अंदर जाती है ऊपर से नहीं जाती क्यों ऑल थैंक्स टू फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स ऑफ ऑपरेटसट एक साइनोर्जेट पोलन ग्रेन की एंट्री से पहले मर जाता है एक बाद में मरता है ठीक है अब इसके ऊपर बेटा एक सेल है दिस सेल इज कॉल्ड एज द एग फीमेल ग्यामिट है दिस इज द ये बेटा फीमेल का है ठीक है फीमेल का ग्यामिट है अब यार छे ने तो वो बना ली थी लेकिन दो सेल वॉल नहीं बना पाए थे वो सेंटर में बैठे थे इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लिया है। पोलर न्यूक्लिया ठीक है ठीके? तो ये जो तुम्हें सेंटर में सेल दिखाई दे रहा है दिस वन जो कि दो तो न्यूक्लियस वाला है yes. क्लियर एन ही है सारे सेल एन है क्योंकि सब एन की माइटोसिस से बने हैं तो ऑल सेल्स आर एन तीनों एंटीपोडल भी एन है एग सेल भी एन है साइनजे एवरी वन इज एन एवरीथिंग इज एन ठीक है जी यस yes. क्लियर हो गया अब यार ध्यान से देखना ये एग और साइनर्जिड्स मिलके ये देख लो इन्होंने पूरा एपरेटस बना लिया इस एपरेटस को बोलते हैं एग प्लस साइनर्जिड के एपरेटस को हम लोग क्या बोलते हैं दिस एपरेटस इज कॉल्ड एज एग एपरेटस यस बच्चों इसको क्या बोलते हैं एग एपरेटस ठीक है तो एग एपरेटस में कितना सेल हुआ बताओ एग एपरेटस के अंदर कितना सेल हुआ यस yes, बच्चों बता दो कितने सेल हुए बेटा फ्यूजन करना क्यों है विक्की कह रहे हैं आफ्टर फ्यूजन फ्यूजन द द लेवल ऑफ पोलर विल बी क्यों करना है अभी मैंने करा है, फ्यूजन है करे मैं पूछ रही हूँ एग में कितने सेल हैं तुम प्लॉइडी लेवल बता रहे हो बेटा एग एप्रेटिस के अंदर थ्री है ना तो थ्री सेल स्ट्रक्चर हुआ दो साइनर्जिड हो गए एक एग हो गया टू साइनरजिड हो गए और वन एग हो गया तो ये हो गया एग सेल

इनका जो फिल्ली फॉर्म अपरेटस है वो केमिकल्स रिलीज करता है इट रिलीजेस केमिकल्स और इन्हीं केमिकल्स की तरफ दौड़ती हुई पोलन ट्यूब आएगी कीमोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब ठीक है यस yes. तो एक साइनर्जिड पोलन ट्यूब की एंट्री से पहले मर जाता है दूसरा साइनर्जिड पोलन ट्यूब की एंट्री से बाद में मरता है तो ये सेल अल्टीमेटली मैं बोलूंगी ये सेल अपनी कुर्बानी देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मुकम्मल कराने के लिए पूरा कराने के लिए ये साइनरजेड शहीद होकर अपनी कुर्बानी देते हैं एक सेल पोलन ट्यूब की एंट्री से पहले मर जाएगा और दूसरा सेल पोलन ट्यूब की एंट्री से बाद मरेगा यस yes! बताओ बेटा इतना क्लियर हुआ कुर्बान सेल्स है बेटा ये शहीद हो चुके हैं ये सो विद दिस वी आर डन विद गाइनोशियम गाइनोशियम भी हमने पूरा कर लिया हाँ जी बेटा गाइनोशियम इज ऑल्सो डन ठीक है बेटा सेकेंड वाला टास्क हमारा डन हो चुका है सेकेंड टास्क इज ऑल्सो डन ठीक है फीमेल पार्ट गाइनोशियम डन जिसको बेटा समझ आया फटाफट से सेशन लाइक क्यों नहीं हो रहा है इतने सारे बच्चे सेशन को देख रहे हैं बट उतने लाइक्स नहीं है फटाफट से उतने लाइक्स पहुंचाओ पहले जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक्स होने चाहिए इस सेशन पे तभी आगे बात बनेगी एंड हैव यू एनरोल्ड इन द प्रैक्टिस क्लास और नॉट बेटा में ऐसा होता है जो फ्यूनिकल है जो माइक्रोपाइल और चलाता है सब एक ही लाइन में होते हैं इसी उल्टा कर दोगे तो ऑर्थोट्रोपस बन जाएगा एनाट्रोपस को उल्टा कर दोगे तो ऑर्थोट्रोपस बन जाएगा और जब ऑर्थोट्रोपस 180 डिग्री रोटेट करता है दैट बिकम्स एनाट्रोपस ठीक है जी यस कम ऑन उतने बना दो फटाफट से लाइक यस मेक इट मेक इट मोर देन थ्री के टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा हाँ मुझे भी नहीं पता चल रहा यार तो हमने पूरा गाइनोशियम कर लिया है अगला जो हमारा आज का टास्क था वो क्या है पॉलिनेशन वो क्या है बच्चों पॉलिनेशन पॉलिनेशन है डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है बस इतना ही है ना अच्छा बेटा ओके ओके तो पॉलिनेशन बेटा कल करें क्योंकि आधा पार्ट हमने इसका कल तो करना ही है है ना कल तो करना ही है तो शुड वी डू पॉलिनेशन टुमारो आज का हो गया पहले लाइक्स बढ़ाओ फटाफट से यस yes. अभी आएगा और फंक्शन यार अभी फर्टिलाइजेशन हमने करना है हमने करना है फटाफट से लाइक करो सेशन को और मुझे बता दो अभी बेटा सब सेल है मरे नहीं है ऐसा मत समझना कि इसकी कुर्बानी हो गई चलो जी डन हो गया नहीं बेटा अभी कुर्बानी देनी है वो फर्टिलाइजेशन में सिखाऊंगी कि कौन कब कुर्बानी देता पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में करेंगे ठीक है यस yes. फटाफट फड़ से सेशन को लाइक करके बताओ आज वाला समझ आया कि नहीं आया आज वाला समझ आया कि नहीं आया है ना तो अब हमारा पोलिनेशन बचा है पोलिन पिस्टिल इंटरक्शन है और पोस्ट फर्टिलाइज फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है ये तो बड़ा आसान है यस सो रेस्ट बेटा हाँ जी तो फटाफट फड़ से आ जाओ अब मेरी स्पेशल क्लास में स्पेशल क्लास में जितना हमने आज किया उतना करेंगे और बेटा इसी सेशन के एंड में मैंने आपके लिए पीवाई क्यूज भी डाले पीवाई क्यूज भी डाले ले कि क्या क्या आए हुए हैं ठीक है क्या क्या आए हुए हैं कल जो हम पॉलीनेशन करेंगे ना उसमें बहुत सारे पी क्यूज आए हुए हैं उसमें से ठीक है बहुत सारे पी वाई क्यूज वहाँ से आए हुए हैं तो वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलीनेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स टुमारो ये सारे पॉल, ये सारे बेटा डायग्राम्स आपको आने चाहिए

टोटल बेटा 120 डेज का इसमें प्लानर बनाया गया है जिसमें 35,000 क्वेश्चंस से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे और बेटा तकरीबन एवरी डे आपकी डाउट uh, क्लास हो रही है तो 100 घंटे की बेटा एक तरीके से डाउट क्लास बन जाएगी अगर मैं टोटल काउंट करूं और हर संडे आपका इसमें मॉक टेस्ट है एक और बैच है बेटा इसमें भी आप सीप्लाइफ कोर्स से एनरोल कर सकते हैं ये एक रिकॉर्डेड बैच है बेटा ठीक है बट ये जो महासंग्राम बैच है दिस इज अ लाइव बैच लाइव क्लास होगी मैं कल खुद आके पढ़ाने वाली हूँ इसमें और बेटा सारे टीचर्स इसमें लाइव क्लास लेने वाले बेस्ट टीम बेटा आपको यहां पर मिलने वाली है ठीक है जी अब इसमें बेटा आपको फोर मंथ की एक्सटेंशन मिल रहा है क्या मिल रहा है फोर मंथ की सब्सक्रिप्शन के साथ वन मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है ठीक है लेट मी जस्ट चेक मिल रहा है ना अभी रुको 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 लेट मी शो यू सम हाँ जी बेटा तो अभी आपको क्या मिल रहा है अगर आप बेटा ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो गेट वन मंथ फ्री एंड सेव अप टू फोर्टी परसेंट ऑन मंथ सब्सक्रिप्शन ठीक है तो आपको फोर मंथ का लेना है सिक्सटीन सिक्स फोर नाइन का पड़ेगा कोड क्या लगाना है बच्चों सीप लाइव लगाना है ठीक है सीप लाइव लगाना है तो इससे होगा क्या तुम्हें तो मेरी मेटोरशिप मिल जाएगी तुम तो मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओगे मैम आपका नंबर सेव कर लेंगे और कभी भी आपको डाउट होता है आप मेरे से कभी भी कैसे भी बात कर सकते हो स्पेशल क्लास कब होगी बेटा पांच बजे होगी ये रही स्पेशल क्लास बेटा ऐसी दिख रही है, yes, like. आज भी होगी, कल भी होगी होगी ये ये बेटा आज की स्पेशल क्लास है हम पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स खत्म करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे और अगले हफ्ते हम लोग जेनेटिक्स की स्टार्टिंग करने वाले हैं

ओकेगा सो आई विल शेयर द पी डी एफ ऑन माई टेलीग्राम राइट आफ्टर द क्लास इसमें जो पी वाई क्यूज है वो जरूर सॉल्व कर लेना और कॉमेंट्स में बेटा जरूर लिख के जाइएगा कि मैम आज का एंड्रोशियम और गाइनोशियम हमें समझ आया या नहीं आया ठीक है यस राइट बच्चों क्लियर है तो मिले फिर शाम को क्लास में चलिए तो कल इस चैप्टर को बेटा हम समाप्त कर देंगे मैं इसलिए स्लो चल रही हूँ स्लो नहीं कहूंगी यार हम बिल्कुल सही स्पीड फॉलो कर रहे हैं इस चीज को ट्रस्ट करो बेटा राइट है right तुम क्या चाहते हो यार एक एक दिन में चैप्टर इतना बड़ा टपा ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर से मुझे टपाने में, तो में, तो में तो बेटा आधा घंटा लगेगा मैं चाहू तो चैप्टर एक घंटे में भी कंप्लीट कर सकती हूँ मैं चाहू तो बेटा उसको दस घंटे भी दे सकती हूँ बट आई नो कि इस स्टेज पे तुम्हें तो कितने घंटे देने चाहिए एक चैप्टर को इसीलिए हम उतना ही टाइम दे रहे हैं ताकि आप रिटेन भी कर पाए द इशू इज नॉट टू कंप्लीट सिलेबस

कल की क्लास में और इस चैप्टर को करेंगे समाप्त थैंक यू सो मच गाइस टेक केयर और कमेंट जरूर करके जाइएगा कैसा लगा समझ आया नहीं आया